सो गाइज, हम पहले कुछ बोलने से पहले हम पहले स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। गाइज जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे हो, मैं कुछ भी सेटिंग नहीं किया हूँ। जैसे कि मेरा मतलब डिफॉल्ट सेटिंग आता है तो गाइज फोन के अंदर, तो गाइज डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आप लोग मेरा स्पीड देख सकते हो। गाइज डाउनलोड स्पीड कुछ 17-18 के आसपास अराउंड चल रहा है, तो गाइज एवरेज निकल के आता है गाइज 18.5, मतलब 18.5 जो डाउनलोड स्पीड। एंड गाइज अपलोड स्पीड बहुत ही कम है गाइज, 1 MB के आसपास अभी चल रहा है फिलहाल। तो गाइज आप सबको पता है गाइज गेम वगैरह जो चलता है वो अपलोड स्पीड के ऊपर चलता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो गाइज, जैसे कि मेरा डाउनलोड स्पीड 18.5 आया एंड गाइस अपलोड स्पीड बहुत ही कम 1.20 आया। अब गाइस हम लोग करने जा रहे हैं गाइस सेटिंग, तो गाइस वो सेटिंग कंप्लीट होने के बाद कितना आता है वो पहले देख लेते हैं। सो गाइज हम लोगों ने सेटिंग कंप्लीट कर लिया, तो गाइज सेटिंग करने के बाद गाइज हमारी डाउनलोड स्पीड गाइज जैसे कि पहले गाइज 18 पॉइंट समथिंग देखने को मिल रहा था, तो अभी फिलहाल के लिए गाइज 30 प्लस देखने को मिल रहा है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंक्रीज हुआ है। एंड गाइज उसके बाद गाइज अपलोड स्पीड जो कि गाइज गेम वगैरह खेलने के लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपलोड स्पीड, जो कि पहले में बहुत ही कम था, 1.5-2 MB के आसपास था, अभी फिलहाल के लिए देख पा रहा हूँ गाइज 34+ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है गाइज इंक्रीज। एंड गाइज इसके चलते आपका पिंग भी बहुत खतरनाक सही देखने को मिलेगा। बहुत सारे बंदा मेरे को बोलता है यार मैं तुम तो यार वाईफाई वगैरह यूज करते हो, आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर से मतलब स्वाइप करके आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं मोबाइल डाटा यूज कर रहा हूं, जो कि पहले मेरे को कम दे रहा था क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया था। एंड गाइस सेटिंग करने के बाद मेरे को इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड गाइस पिंग इसके चलते मेरे को ना बहुत ही कम देखने को मिलता है। एंड गाइस कौन सी वाला वो सेटिंग आज वीडियो उसी टॉपिक का होने वाला है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि गाइस सबके साथ बढ़े होंगे। तो गाइस आज मैं अगेन एक और कमाल का वीडियो लेकर वापस, तो गाइस आज का वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होने वाला आप लोग तो इंट्रो देख लिया होगा। तो गाइस वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे एक लाइक कर देना, इनका चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाला। तो गाइस सीधा चलते स्क्रीन के ऊपर। तो ये सेटिंग कंप्लीट करने के लिए गाइज आपको सबसे पहले आपका फोन के अंदर जो सेटिंग रहती है सेटिंग के अंदर आना है। देन गाइज आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको टैप करना है। टैप करने का आपके सामने ऐसे ओपन होकर आ जाएगा, आप जिस सिम से गाइज नेट यूज करते हो उसी सिम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइज आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइज आपको APN करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफॉल्ट एक इंटरनेट है गाइज जियो नेट देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज हम नीचे की तरफ देखोगे तो गाइज आपको न्यू APN ओपन करना है। न्यू APN ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, तो गाइस हम लोगों को इसी फॉर्म को अच्छे से भरना है। तो गाइस मैं जैसे ऐसे फॉर्म भरूंगा तो गाइस आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जैसे कि गाइस पहले देख पा रहे हो गाइस नेम, नेम आपको क्या लिखना है, क्लाउड, क्लाउड का सी होगा कैपिटल CLOUD, क्लाउड। देन गाइज आपको देना है स्पेस, स्पेस के बाद गाइज देना है बीटा BETA बीटा। देन गाइज आपको देना है स्पेस, देन गाइज आपको देना है G, उसके बाद गाइज 9 एंड गाइज X, जिसमें गाइज आप लोग देख सकते हो गाइज क्लाउड का C होगा कैपिटल, बाकी होगा स्मॉल। देन गाइज स्पेस, स्पेस के बाद गाइज बीटा का B होगा कैपिटल, देन होगा गाइज स्मॉल, उसके बाद गाइज स्पेस, स्पेस देने के बाद गाइज G एंड गाइज 9 X, ये G एंड X होगा कैपिटल। ओके कंप्लीट कर देना है। देन गाइज आपको आता है APN, APN गाइज आपको लिखना है गाइज स्पीड, गाइज सारे स्मॉल होगा SPEED। देन गाइज उसके बाद देना है गाइज @, देन गाइज आपको देना है मैक्स, मैक्स का होगा गाइज ये सारे कैपिटल में। तो गाइज APN में गाइज आपको लिखना है स्पीड @ मैक्स, स्पीड होगा स्मॉल में सारे एंड गाइज मैक्स होगा सारे कैपिटल में। देन गाइज करना है ओके, उसके बाद पॉक्सी गाइज आपको कुछ नहीं करना है, पोर्ट आपको कुछ नहीं करना है। यूजर नेम गाइज, यूजर नेम इंपॉर्टेंट है, यूजर नेम आपको लिखना है क्लाउड CLOUD गाइज क्लाउड, उसके बाद APN गाइज, उसके बाद देना है गाइज आपको @, देन गाइज आपको देना है X, सारे होगा स्मॉल लेटर में गाइज, इसका कोई भी कैपिटल लेटर की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लिखा हूँ क्लाउड APN @X, ये सारे के सारे होगा स्मॉल लेटर में, उसके बाद ओके कर देना है। पासवर्ड आपको कुछ नहीं करना है। सर्वर गाइज, सर्वर आप ये लिख सकते हो www.google.com गाइज, www.google.com लिख देना। एंड गाइज ये सर्वर ना आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक आपका www.google.com में फिर भी गाइज आपका थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, तो गाइज आपका जियो नेट है तो गाइज आप जियो लिख देना www.jionet.in, या उसके बाद गाइज आप एयरटेल है तो गाइज आप www.airtelnet या एयरटेल का जो साइट है तो गाइज वो साइट दे देना। तो गाइज वो अपने हिसाब से, बहुत सारे बंदे की VI का है तो गाइज आप VI लिख देना, ठीक है। उसके बाद MMSC गाइस कुछ नहीं करना है, MMS पॉक्सी कुछ नहीं करना है, MMS पोर्ट कुछ नहीं करना है गाइस, MCC एंड गाइस MNC गाइस गलती से भी ये दो कोड को कुछ भी नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप जो आता है तो गाइस इसमें आपको क्या लिखना है, आपको बाय डिफॉल्ट नन देखने को मिल जाता है, एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन रहता है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस APN टाइप आप
कुछ नहीं करना है। एंड एपीएन प्रोटोकॉल गाइस बहुत सारे डिवाइस में गाइस पहले दो की कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट होकर रहता है, तो गाइस आपको एकदम नीचे वाला जो ऑप्शन रहता है उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस उसके बाद आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी गाइस सेम आपको पहले की दो ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट होकर है मतलब सिलेक्ट रह रहे तो गाइस आपको उसको नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आता है वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग जो कि गाइस बेयरर सेटिंग बताने से यूट्यूब ओपन करने, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको TM फनी कार्टून सर्च करना, सर्च करने के बाद ना आपको सामने बहुत सारे गाइस वीडियो ओपन होकर आ जाएगा, कोई भी एक वीडियो आप ओपन कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद गाइस ये जो चैनल है गाइस जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग खास करके बंगाली समझते हैं ना तो गाइस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार फनी वीडियो, लाइक मैं तो गाइस इसका सारे वीडियो चेकआउट करता हूँ एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा फनीस्ट वीडियो है। तो गाइस भैया ने नया नया चैनल ओपन किया तो गाइस जाके जरूर एक बार सपोर्ट कर देना एंड गाइस सब लोग मेरा नेम कॉमेंट सेक्शन पर गाइस भर देना। तो गाइस फिलहाल के लिए गाइस बेयरर बताने से पहले ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आप लोगों के साथ कि मेरा चैनल के सब्सक्राइब करते करते गाइस ये जो भैया के जो चैनल है जो लोग खास करके बंगाली समझता है तो गाइस जरूर एक बार चेकआउट कर लेना एंड गाइस सब्सक्राइब करके बेल पे कर लेना, लाइक भी कर देना। मेन सेटिंग है जो कि गाइस बेयरर सेटिंग जो कि गाइस हर एपीएन का गाइस दिल और धड़कन होता है, तो गाइस उसके चलते आपको पहले वाला जो होता है उसको तो आपको अनटिक कर देना है। देन गाइस आपको LT उसके बाद ये जितने भी सारे हैं तो गाइस सारे पे आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन गाइस आपको ना GPS वाला सेटिंग को आपको नहीं करना, मतलब GPS को छोड़ के जितना भी सारे आपको देख रहा है तो गाइस सारे में सारे के सारे पे आपको टैप कर देना है, बस GPRS ये जो ऑप्शन है इसको आपको छोड़ देना है एंड गाइस ऊपर वाला तो आपको अनटिक कर देना है। बहुत सारे डिवाइस में ये देखोगे ना तो गाइस एक मतलब इतना सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ना तो गाइस आपका ये ओके बटन दिखेगा नहीं, तो गाइस उसी वाले डिवाइस के लिए ना गाइस ओनली आपको LT पे टिक करना, ओनली LT एकमात्र LT पे टिक करना है, देन गाइस आपको ओके कर देना है, ठीक है। और जिस डिवाइस में गाइस बहुत सारे मतलब आप एक साथ कर सकते हो मतलब सिलेक्ट करके ओके बटन अभी भी देख रहे हैं तो गाइस आप ओके कर देना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो गाइस ये बेयर सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद ना आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, सेव करने के बाद आपको देखेगा गाइस पर एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो एक पहले था तो गाइस आपको और एक आ जाएगा क्लाउड बीटा G9X ये ऑप्शन पे, तो गाइस आपको क्या करना है उस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद ना बहुत सारे बंदा गलती क्या करता है उसके बाद होम करके गाइस जो जो काम उसका करता है या गेम खेलने जाता है तो गाइस गेम वगैरह ओपन करने चला जाता है, ये होता है सबसे बड़ा गलती, ठीक है। तो गाइस उसके बाद ना आप आपका डिवाइस को जरूर एक बार गाइस रिस्टार्ट या रिबूट गाइस आप जो भी आपका मतलब उसमें है ऐसे नहीं है फ़ोन रिसेट अलग बात होता है, रिस्टार्ट या रिबूट या पावर बंद करके और एक बार ऑन कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे बंदा गलती वहीं पर करता है। तो गाइस आप रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करोगे ना तो गाइस ये एपीएन आपका डिवाइस में अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने वाला।